फिरोजाबाद में आज सोहम महासभा ने एक प्रेस वार्ता करके ये जानकारी साझा की कि सोहम महासभा के तत्वाधान में 39वें कार्यक्रम का आयोजन 15 दिसंबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कलश यात्रा, गायत्री महायज्ञ और कथा का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष में उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी संभावना है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा, SKH न्यूज। आज की प्रेस वार्ता सोहम महामंडल के तत्वाधान में आयोजित 39वां सत्संग और यज्ञ गायत्री महासमारोह के उपलक्ष्य में रखी गई है। ये कार्यक्रम वर्षों से फिरोजाबाद में हुमायूंपुर में होता था, लेकिन पिछले 10-11 वर्ष से रामलीला ग्राउंड में होने लगा है और यहाँ पर ये कार्यक्रम 39वां कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम की प्रतीक्षा फिरोजाबाद नगर और बल्कि फिरोजाबाद का आसपास का क्षेत्र बहुत प्रतीक्षित रूप से प्रतीक्षा करता है। इस कार्यक्रम में 15 दिसंबर को शुक्रवार के दिन श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर से 651 कलशधारी महिलाएँ एक से साड़ियाँ पहने हुए वहाँ से कलश धारण करके और चलेंगी, जो कि पूरा मार्केट पार करती हुई गंज चौराहे होते हुए एसआरके कॉलेज होते हुई और रामलीला ग्राउंड पहुँचेंगे। स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो कि इसके अध्यक्ष हैं और परमाध्यक्ष श्री विवेकानंद जी महाराज हैं, ये दोनों ही यहाँ पर आने की संभावना है। दूसरे यहाँ कार्यक्रम चलेगा उसमें सुबह 7 बजे से श्री गायत्री महायज्ञ, 9 बजे से रामगोपाल जी शास्त्री द्वारा भगवत गाथा और 2 बजे से सत्संग समारोह प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए विद्वान अपने अपने प्रवचनों के द्वारा हमें धर्म लाभ पहुँचाएँगे। मुख्य यजमान श्री जी के शर्मा अशोका मॉल और उनकी पत्नी हैं और यज्ञ के जो यज्ञपति हैं उसके ओम प्रकाश शर्मा सीवी गेस्ट हाउस और उनकी पत्नी हैं। और इस कार्यक्रम यहाँ पर 22 दिसंबर तक चलेगा। 22 दिसंबर को आखिरी दिन यज्ञ का समापन होगा, भागवत का समापन होगा, सत्संग का समापन होगा और भंडारे के रूप में यहाँ हर एक प्रसाद का वितरण होगा। धन्यवाद।